देखिए गाइस काफी ज्यादा ब्राइट है, एकदम पावरफुल है। मैं इसके तरफ आंख भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज्यादा रोशनी है। हेलो गाइस, टेक्निकल आईएनडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गाइस आज मैं आपको एक रिचार्जेबल 12 वोल्ट से चलने वाला एक पावरफुल टॉर्च लाइट बनाकर दिखाऊंगा। इस टॉर्च लाइट को आप एक बार चार्ज करके महीना भर यूज कर सकते हो। मान लीजिए आप खेत वगैरह रात में देखने जाते हो तो इस टॉर्च लाइट जो है आपका काफी यूजफुल रहेगा और इसका ब्राइटनेस जो है काफी ज्यादा होने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए, इस टॉर्च लाइट को कैसे मैं बनाता हूँ आप भी इजीली सीख जाओगे। तो चलिए जल्दी से इस टॉर्च लाइट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस टॉर्च लाइट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर पीवीसी पाइप का यूज करूंगा। 75 mm डायमीटर का पाइप ले लिया हूँ। इस पाइप का अभी थोड़ा सा डिजाइन जो है चेंज करना पड़ेगा, तो चलिए जल्दी से मैं इसको हीट करके इसका डिजाइन जो है चेंज कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पीवीसी पाइप को हीट करने पर ये बिल्कुल नरम हो चुका है। अब गाइस आपको 2 1-inch वाला पाइप ले लेना है इस टाइप से और इसके अंदर डाल के दोनों को खींच देना है और ये ठंडा होने के बाद इस पाइप का डिजाइन कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब गाइस क्या करना है, इसका बीच में से हमें 7 cm का एक पीस कटिंग कर लेना है। साइड साइड से ये जो अप डाउन वाला पीस है इसको काट कर हटा देना है। तो गाइस इसका दोनों साइड का एक्स्ट्रा पीस को कटिंग करके इस पीस को बढ़िया से फिनिशिंग कर लिया हूँ और साथ में इसका दोनों ढक्कन भी कटिंग कर लिया हूँ। इसमें से एक ढक्कन को अभी मैं इसमें फिट करके चिपका देता हूँ और इसके दूसरे साइड का ढक्कन को हम बाद में लगाएंगे। तो इस पूरे बॉक्स को अभी साइड में रख देते हैं। अब गाइस टॉर्च लाइट का जो मेन बैटरी पैक है उसे बनाना है, तो यहाँ पर मैं उसके लिए लिथियम आयन बैटरी का यूज करूंगा। देखिए ये एक एक लिथियम सेल है। यहाँ पर मैं 2 बैटरी को एक साथ पैरेलली कनेक्ट करके यहाँ पर टोटल 3 बैटरी पैक बनाया हूँ और एक एक बैटरी जो है 1200 mAh का है, तो दोनों मिला के यहाँ पर 2400 mAh का हो गया है। टोटल 3 बैटरी पैक है, तीनों मिला के टोटल जो है 7200 mAh का बैटरी पैक है। अब गाइस इन 3 बैटरी पैक को सीरीज में कनेक्शन करके एक 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाना है। तो चलिए जल्दी से सीरीज में 3 बैटरी को कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर बैटरी का जो सीरीज कनेक्शन है वो कर दिया हूँ। देखिए कुछ इस टाइप से हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, फिर इस बैटरी से कनेक्ट होकर फिर इधर आके फिर यहाँ पर खत्म हुआ है। यहाँ पर हमें 12 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा और यहाँ से नेगेटिव आउटपुट मिलेगा। अब गाइस इस बैटरी में हमें एक BMS लगाना पड़ेगा इस बैटरी को चार्जिंग और प्रोटेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर मैं 20 mA 3-cell 12.6 वोल्ट वाला BMS यूज करूंगा इस टाइप का। इस BMS को अभी वायर से इस बैटरी के साथ कनेक्शन करना है। कनेक्शन जो है काफी ईजी है, मैं साइड पे इमेज दे दिया हूँ, इस डायग्राम को देखकर आप आसानी से इस BMS को बैटरी के साथ कनेक्शन कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से मैं इस BMS को कनेक्शन कर देता हूँ। तो गाइस बैटरी में मैं BMS कनेक्शन कर दिया हूँ। अब चलिए एक बार टेस्टिंग करके दिखाता हूँ वोल्टेज कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पर 12.07 दिखा रहा है, तो मतलब बैटरी पैक जो एकदम ओके बना है। अब चलिए इस बॉक्स के अंदर फिट कर देते हैं। तो गाइस टॉर्च लाइट का जो मेन बैटरी पैक है वो हमारा बनके रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको साइड में रख देते हैं। इसके बाद गाइस हमें चाहिए कुछ पीवीसी पाइप का छोटा छोटा पीस, तो उसमें से यहाँ पर मैं 1/2 inch का टी ले लिया हूँ और इस टी का देखिए एक साइड जो है काट कर मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ। इसके साथ में आपको चाहिए 1/2 inch का छोटा सा पाइप का टुकड़ा। इस टी के जो नीचे वाला ज्वाइंट है इसमें इस छोटे वाले पाइप को डाल देना है। यहाँ पर जो मैं छोटा वाला पीस है काट कर रखा था, तो ये वाला पीस है 1/2 inch पाइप के साथ डाल देना है, सुपर ग्लू से चिपका देना है। इसके बाद गाइस 3/4 साइज का पाइप में से एक 8 cm का छोटा सा स्टेप का पीस कटिंग कर लेना है और इस पीस को टी के इस जॉइंट पर लगाकर चिपका देना है। तो गाइस ये काफी मजबूती से चिपक गया है। अब गाइस इसे जो है हमें इस बैटरी के साथ अटैच करना है कुछ इस जगह पर। यहाँ पर फिक्स करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर जो है काट करके डिजाइन करके ग्रुप बनाना पड़ेगा, तभी जो है बैटरी के साथ अच्छे से फिक्स होगा। और साथ ही में यहाँ पर एक ग्रुप बनाएंगे इस वाले स्विच को लगाने के लिए। तो चलिए इन दोनों काम को फटाफट करके लेके आता हूँ। तो गाइस सैंड पेपर से घिसकर इसको बढ़िया से कार्प टाइप का डिजाइन बना दिया हूँ ताकि बैटरी के साथ फिट हो सके। और यहाँ पर देखिए स्विच के लिए भी ग्रुप बना दिया हूँ। अब चलिए जल्दी से बैटरी के साथ इसको फिट कर देता हूँ। दोनों वायर को टी के अंदर से बाहर निकाल देना है और उसके बाद इस हैंडल को यहाँ पर बढ़िया से चिपका देना है।
काफी मजबूती से चिपक गया है और ये जो है एक हैंडल टाइप का बन गया है, मस्त इस तरीके से हम पकड़ सकते हैं। अब गाइस इस बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट का यूज करूंगा, तो इस सॉकेट को हम पीछे यहाँ पर लगाएंगे इस हैंडल के पीछे में। अब गाइस इस चार्जिंग सॉकेट का दोनों वायर को बैटरी के दोनों वायर के साथ डायरेक्ट जोड़ देना है, ब्लैक को ब्लैक के साथ जोड़ देना है, रेड को रेड के साथ जोड़ देना है। इसके बाद गाइस आपको एक इस टाइप का ऑन ऑफ स्विच ले लेना है और इस स्विच का जो एक लेग है इस रेड कलर के वायर के साथ जोड़ देना है। अब गाइस एक छोटा सा रेड कलर का वायर ले लेना है, इसको स्विच के दूसरा वाला जो लेग खाली पड़ा हुआ है उसके साथ सोल्डिंग करके ये रेड कलर का वायर और ये ब्लैक कलर का वायर को इस स्विच के होल के अंदर से निकालते हुए यहाँ से निकाल देना है। तो चलिए कनेक्शन करके मैं दोनों वायर को निकाल देता हूँ। तो गाइस स्विच को यहाँ पर मस्त फिटिंग कर दिया हूँ, इस तरीके से पकड़ के हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो अब इन दोनों वायर पे एक हाई ब्राइटनेस वाला एक हेडलाइट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इस वाले फॉग लाइट का यूज करूंगा। इसे बाइक में या फिर रिक्शे वगैरह में लगाया जाता है और इसके अंदर देखिए छोटे छोटे साइज का 9 LED लगा हुआ है 12 वोल्ट पे। ये LED जो है काफी ब्राइटनेस के साथ ग्लो करता है, ये बाइक में लगाया जाता है लेकिन मैं यहाँ पर टॉर्च में लगाऊंगा। तो ये टॉर्च लाइट काफी पावरफुल होने वाला है और इस फॉग लाइट को आप इजिली किसी भी बाइक रिपेयरिंग शॉप से ले सकते हो। तो चलिए इस फॉग लाइट को इसके साथ फिट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर एक क्लैंप टाइप का दिया गया है तो इसी को हमें यहाँ पर माउंट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक PVC शीट से कुछ इस टाइप का डिजाइन कटिंग कर लिया हूँ और इसमें 2 होल किया हूँ। नीचे वाला जो ये होल है इसमें ये फॉग लाइट माउंट हो जाएगा नट से और ये वाला जो राउंड हिस्सा है यहाँ पर पाइप के साथ डायरेक्ट कुछ इस टाइप से चिपक जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको चिपका लेता हूँ। तो गाइस फॉग लाइट को यहाँ पर बढ़िया से टाइट करके माउंट कर दिया हूँ और ये जो दोनों वायर देख रहे हैं फॉग लाइट का, ये दोनों वायर इन दोनों वायर के साथ कनेक्शन करना है अभी। तो ये मैं सोच रहा हूँ अंदर से कनेक्शन करूंगा, तो स्विच को मैं यहाँ से फिर से निकाल लेता हूँ और अंदर से कनेक्शन करके इसको बढ़िया से फिट कर देता हूँ। फाइनली हमारा ये पावरफुल टॉर्च लाइट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बटन दबाने पर ये फ्लैश लाइट जो है ऑन हो जाएगा, लेकिन अभी मैं जलाकर आपको नहीं दिखाऊंगा, पहले इसको कलर करके थोड़ा सा लुक इसका चेंज कर देता हूँ। तो चलिए जल्दी से कलर करके निकालता हूँ। तो गाइस कलर करके लेके आ चुका हूँ। अब ये टॉर्च लाइट और ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, जैसा मार्केट पर बनता है सेम उसके जैसा ये टॉर्च लाइट बना है, देखने में एकदम मस्त लग रहा है। देखिए पीछे में मैं पीला कलर का रिंग लगाया हूँ, बिल्कुल हैंडल टाइप का डिजाइन बन गया है यहाँ पर, मस्त पकड़ सकते हैं। अब चलिए जल्दी से टेस्टिंग करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं चार्ज करके दिखाता हूँ। चार्जिंग करने के लिए मैं इस वाले चार्जर का यूज करूंगा, आप कोई सा भी 12 वोल्ट के चार्जर से इसे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए चार्जर को मैं बोर्ड पे लगा देता हूँ। देखिए ग्रीन लाइट जल चुका है, चार्जर अभी ऑन है और इस पिन को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। देखिए रेड लाइट जल रहा है तो मतलब बैटरी जो है अभी चार्ज हो रहा है टॉर्च लाइट का। फुल चार्ज इसको बाद में करेंगे, पहले मैं इसको जलाकर आपको दिखाता हूँ इस टॉर्च लाइट का पावर कितना है। तो ये है एक दुकान पर मिलने वाला नॉर्मली टॉर्च लाइट, तो चलिए इसको मैं जलाकर दिखाता हूँ। देखिए इसका रोशनी जो है हमें पता चल रहा है इतना है। अब चलाते हैं इस मॉन्स्टर टॉर्च लाइट को, देखिए इसका ब्राइटनेस देखिए, पूरा इस टॉर्च लाइट का जो लाइट है उसको पूरा ढक दे रहा है, इसका इतना ज्यादा ब्राइटनेस है। तो ये वाला जो टॉर्च लाइट है ये हम लोग नॉर्मली घर पे यूज करने के लिए रखते हैं और ये वाला जो मॉन्स्टर टॉर्च लाइट है इसको खेत जगने के काम में यूज करने के लिए बेस्ट है एकदम। रात में अगर कहीं दूर देखना हो तब इस टॉर्च लाइट को जलाकर आप जो है दूर तक देख सकते हो। और इस टॉर्च लाइट में एक खास फीचर है, इस टॉर्च लाइट का जो ये हेडलाइट है इसको आप अपने हिसाब से रोटेट करके लाइट दिखा सकते हो। मैं देखिए सीधा कर दिया हूँ, आप इस टाइप से भी लाइट दिखा सकते हो और इस तरीके से आप टेबल पर भी रख के काम कर सकते हो। मान लीजिए यहाँ पर कुछ छोटा मोटा काम करना हो तो आप उसके हिसाब से भी लाइट को सेट करके यूज कर सकते हो, तो काफी अच्छा फीचर्स है। अभी गाइस इस टॉर्च लाइट को मैं अंधेरे में लेके चलता हूँ, वहां पर आपको जलाकर दिखाऊंगा। स्टूडियो के अंदर तो ऑलरेडी लाइट जल रहा है, यहाँ पर ब्राइटनेस उतना ज्यादा आपको समझ में नहीं आ रहा है। चलिए अंधेरे में आपको टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। तो गाइस स्टूडियो के बाहर आ चुका हूँ और अभी रात का टाइम है इसलिए फुल अंधेरा है और अंधेरे में ही इस टॉर्च लाइट का एक्चुअल ब्राइटनेस आपको पता चलेगा। चलिए डायरेक्ट मैं जलाकर दिखाता हूँ। देखिए गाइस काफी ज्यादा ब्राइट है और काफी दूर तक इसका रोशनी जो है जा रहा है, एकदम व्हाइट व्हाइट हो चुका है। देखिए फुल व्हाइट एकदम क्लियर दिख रहा है। चलिए मैं पेड़ के ऊपर मार के दिखाता हूँ। देखिए काफी ज्यादा रोशनी है और बहुत दूर तक दिख रहा है, तो एकदम क्लियर हमें पेड़ जो है नजर आ रहा है। देखिए फुल डिटेल के साथ यहाँ पर क्लियर एकदम दिख रहा है।
तो गाइज ये जो टॉर्च लाइट एकदम पावरफुल है, मैं इसके तरफ आंख भी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रोशनी है। इस टॉर्च लाइट को आप खेत में यूज़ कर सकते हो। मान लीजिए आपको खेत में काफ़ी दूर तक देखना है तो उस जगह पर इस टॉर्च लाइट को जो है आप आसानी से यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसका ब्राइटनेस जो है बहुत ज़्यादा एकदम क्लियर आपको जो है दूर दूर तक नजर आएगा। तो गाइज देखा आपने, अंधेरे में इसका ब्राइटनेस जो है काफ़ी ज़्यादा दिख रहा था। तो ये जो पावरफुल टॉर्च लाइट है आप इजिली घर पर ही बना सकते हो। इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी ज़्यादा है, एक बार चार्ज करोगे कई दिन तक आपको चार्ज करने का भी झंझट नहीं होगा। तो काफी पावरफुल टॉर्च लाइट है, एकदम मस्त टॉर्च लाइट है। तो ये टॉर्च लाइट आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पर।